नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नत्थू और उसकी पत्नी रज्जो की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पर इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सज्जनपुर गांव का रहने वाला नत्थू पेशे से एक किसान था। अपनी 4 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता। नत्थू और उसकी पत्नी रज्जो दोनों ही स्वभाव में बहुत नरम दिल और संतुष्ट थे। अपनी जमीन से जो भी पैदावार होती, दोनों उसी में गुजारा कर लेते थे। नत्थू के गांव सज्जनपुर में पानी भी एक समस्या थी। नत्थू जैसे तैसे अपने खेतों तक तो बावड़ी का पानी पहुंचा देता, लेकिन घर में पीने का पानी उसे दूर एक झरने से लाना पड़ता था। झरने से पानी लाने के लिए नत्थू ने 2 घड़े रखे थे, जिन्हें वो एक बड़े डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका देता। नत्थू रोज उन्हीं घड़ों में पानी लाता और रास्ते में से कुछ फूल अपनी पत्नी के लिए रख लेता, जिन्हें वो भगवान की पूजा में रखती थी। नत्थू पिछले कई महीनों से इन्हीं घड़ों में पानी ला रहा था। एक दिन नत्थू की पत्नी ने गौर किया कि नत्थू जिन 2 घड़ों में पानी लाता है, घर पहुंचते पहुंचते वो 1.5 घड़ा ही रह जाता है। घड़ों को पूरा ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि 1 घड़े में छेद है, इसलिए नत्थू झरने से तो 2 घड़े पानी लाता है, लेकिन घर तक 1.5 घड़ा ही पहुंचता है। रज्जो ने अपने पति नत्थू से कहा, अरे मेरे भोले पति, तुम इतने महीने से पानी भर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे 1 घड़े में छेद है। इसके बाद नत्थू की पत्नी रज्जो ने कई बार कहा कि एक नया घड़ा खरीद लो, इस छेद वाले घड़े के कारण तुम रोज सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही ला पाते हो, लेकिन नत्थू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। रज्जो भी सोचती कि नया घड़ा खरीदने में खर्चा भी करना पड़ेगा, इसलिए वो भी ज़्यादा चिक-चिक नहीं करती थी। पर एक दिन रज्जो ने ठान ही लिया कि आज तो नत्थू से नया घड़ा खरीदवा कर ही रहूंगी, आखिर कब तक इस तरह चलेगा। रोज की तरह नत्थू 1.5 घड़ा पानी लेकर घर पहुंचा। उसने घड़ों को रखा और कुछ सुंदर फूल रज्जो के हाथों में थमा दिए और मुस्कुराकर कहा, लो कर लो अपने कान्हा जी को खुश तुम इन फूलों की सुगंध से। रज्जो तो कुछ और ही ठान कर बैठी थी। उसने गुस्से में बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम अभी के अभी जाओ और एक नया घड़ा खरीद कर लाओ। नत्थू किसान समझ गया कि आज तो रज्जो ठान कर बैठी है कि मटका खरीदने का खर्चा करवा कर ही रहेगी। उसने प्यार से कहा, अरे बाबरी, जब हमारा गुजारा इस छेद वाले घड़े से चल ही रहा है तो नए घड़े पर खर्चा क्यों करना। रज्जो ने आंखें तरीरते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, जाओ और कुम्हार से नया घड़ा लेकर आओ, बस अभी के अभी। नत्थू समझ गया कि आज बात नहीं बनने वाली। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो तुम भी चलो मेरे साथ कुम्हार के पास और अपनी पसंद का घड़ा खरीद लेना।
रज्जू के चेहरे पर मानो मुस्कान आ गई। दोनों पति पत्नी चल पड़े कुम्हार के घर की तरफ घड़ा खरीदने के लिए। चलते चलते रज्जू ने कहा, ये रास्ता तो कुम्हार के घर की तरफ नहीं जाता, ये तो पानी वाले झरने पर जाता है, जहाँ से तुम रोज घड़ों में पानी भरकर लाते हो। नत्थू ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस चलती रहो, तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ दूर पहुंचकर रज्जू ने देखा कि रास्ते के एक तरफ बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल लगे हुए थे। रज्जू समझ गई कि नत्थू कान्हा जी की पूजा के लिए जो फूल लाता है वो यहीं से लेकर आता है। नत्थू ने रज्जू को वहाँ पर रोका और बोला, रज्जू तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में जितने भी फूल लगे हैं वो रास्ते के सिर्फ एक तरफ ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि एक घड़े में छेद है, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने ही रास्ते में एक तरफ रंग बिरंगे फूलों के बीच बो दिए और छेद वाले घड़े को उसी तरफ अपने कंधे पर रखकर रोज उन्हें थोड़ा थोड़ा सींचता रहता था। देखो पूरा रास्ता कितना खूबसूरत हो गया है, और तुम्हारे कान्हा जी के लिए फूल मैं यहीं से लाता हूँ। अब तुम ही बताओ, क्या बिना छेद वाला नया घड़ा खरीद कर मैं ये सब कर पाता? रज्जू अपने पति की इस बात से बहुत खुश हुई। अब उसने नए घड़े की जिद छोड़ दी और वापस घर लौट गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।